हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे किस तरह से करते हैं। तो आइए आज मैं आपको एक मफलर बनाना बताती हूँ जिसमें कि हमने सिर्फ हाफ डबल क्रोशे यूज़ किया है। हाफ डबल क्रोशे डिज़ाइन यूज़ करके ही हम पूरा मफलर बनाएंगे। तो अगर आप अभी नया नया सीखना भी स्टार्ट किए हैं तब भी आप आसानी से उसे बना पाएंगे। तो मफलर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये यान ले लिया है। ये देखिए यान, मेरा यान थोड़ा थिक है इसलिए मैं इसके लिए 6.5 mm का क्रोशे लूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट डाल लेते हैं। ये देखिए स्लिप नॉट हो गया। स्लिप नॉट डालने के बाद अब हम अपना फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हमें सिर्फ लूप्स बनाते जाना है। ये देखिए मैंने 30 लूप्स का फर्स्ट रो बना लिया है। आपको अगर कम चौड़ा स्कार्फ पसंद है तो आप इसकी चौड़ाई थोड़ा कम रखेंगे, लेकिन अगर आपको मफलर थोड़ा चौड़ा पसंद है तो आप उसके हिसाब से इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। इसे आप मल्टी कलर यान से या सिंगल यान यूज करके या कंबाइन करके दो तीन यान को वैसे भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। तो अभी हम देखिए एक क्रोशे और बनाया। 30 के बाद मैंने एक और सिंगल बनाया है। इसके बाद हम फर्स्ट लूप में अपना हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए मैंने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट किया। अभी ऐसे हमें बनाते जाना है। ये बनाते समय एक चीज का ध्यान रखिए कि हमें एक भी लूप स्किप नहीं करना है। अगर हमारा लूप स्किप हो गया तो ये डिजाइन अच्छा नहीं आएगा। बराबर से एक एक लूप पिक करके हमें हाफ डबल क्रोशे बनाते जाना है। एक चीज का और ध्यान रखिए, जब भी आप बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशे तो यान का टेंशन बराबर पिक कीजिए, क्योंकि अगर ये लूज हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा और अगर बहुत टाइट हो गया तो भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत टाइट हो जाने से डिजाइन अच्छा नहीं आएगा और काफी ज्यादा लूज हो जाने से ये लाइंस रोज बराबर नहीं दिखेंगे। देखिए ऐसे बनाते जाना। लास्ट लूप तक हमें बस हाफ डबल क्रोशे बनाते जाना। फ्रेंड्स देखिए ये लास्ट लूप पर मैं पहुंच गई हूँ। ये देखिए मैंने अपना फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया हाफ डबल क्रोशे का। ये देखिए ये अपने आप में स्ट्रेच हो रहा है काफी, इसलिए आप इसकी विड्थ कम रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी सिंगल क्रोशे बनाया और इसे टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद अभी हम जो इसमें डिजाइन डालने वाले हैं वो हम सिर्फ बैक लूप यूज करके बनाएंगे। ये देखिए इसे फ्रंट लूप्स कहते हैं, सामने आपको दिख रहा है, लेकिन हम फ्रंट लूप में डिजाइन नहीं डाल के हम बैक लूप में डालेंगे। तो बैक लूप में डालने के लिए आप इसे थोड़ा इस तरीके से घुमाइए। ये देखिए ये ऊपर आपको जो स्टिचेस दिख रही हैं, ऊपर जो लूप्स दिख रहे हैं, इन्हीं में हमें अब हाफ डबल क्रोशे करना है। तो इसमें ये देखिए ये फ्रंट है, ये बैक है, तो हम बैक वाले में डाल के अपना हाफ डबल क्रोशे स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बैक लूप्स में डाल के ऐसे हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो पूरा मफलर हमें सिर्फ इसी डिजाइन को यूज करके बनाना है। इस तरीके से बैक लूप्स में हाफ डबल क्रोशे डालते जाइए।
एक भी लूप स्किप नहीं करना है। जितने हाफ डबल क्रोशे आपने फर्स्ट रो में बनाए हैं उतने ही हाफ डबल क्रोशे हमारे हर रो में होना चाहिए, ना हमें ज्यादा चाहिए और ना हमें कम चाहिए। तो बराबर काउंट करके बनाते चले जाइए। इस तरीके से एंड तक हमें बनाते जाना है। लास्ट में पहुंच गए हम। लास्ट लूप को भी ध्यान से पिक करना है, अगर आप छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे एक कम हो जाएगा जिसकी वजह से डिजाइन अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए लास्ट लूप में भी हमें ध्यान से बैक लूप में हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके का हमारा ये पीछे से दिखेगा वर्क और ये आगे से दिखेगा। तो अभी बस फिर वर्क टर्न करके इसे फिर से टर्न कर लेना है और टर्न करके फिर से हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है बैक लूप्स में। बस इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करते जाना है। जितना आपको लेंथ चाहिए स्कार्फ का उसके अकॉर्डिंग आप इसमें रोज बढ़ाते चले जाएं। जैसे अभी थर्ड रो पे हमें इसी तरीके से आगे और कंटिन्यू करते जाएंगे। देखिए मैंने ये अपना स्कार्फ बना लिया, मैंने इसमें करीब 100 रोज बनाए हैं। ये देखिए एंड तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, सेम हाफ डबल क्रोशे करते हुए 100 रोज मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए ये देखिए एक साइड से मैंने अपना बॉर्डर फिनिश कर लिया। ये देखिए सेम डिजाइन मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड साइड कैसे बनाना है। ये देखिए तो बॉर्डर बनाने के लिए हमें डबल क्रोशे बनाना है। कैसे बनाना है आइए बताती हूँ। फर्स्ट ये देखिए लूप लेके और हमें सबसे पहले एक डबल क्रोशे बनाना है। ऐसे कंप्लीट नहीं करना है डबल क्रोशे, आधा छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट एक और लूप डाल के एक बार और नेक्स्ट टू में से इस तरीके से थर्ड बार और फोर्थ टाइम, चार बार हमें ये डबल क्रोशे आधा आधा बनाना है। ये बनाने के बाद अभी देखिए हमारे पास 4-5 लूप्स हो गए हैं टोटल मिला के 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 में से हमें एक साथ पूरा पुल कर लेना है और फिर एक सिंगल क्रोशे। ये देखिए तो हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा। एक बार फिर देखिए अभी ये बनाने के बाद जब आपका एक बन जाएगा तब आप दो लूप्स को स्किप कीजिए, 1, 2 थर्ड वाले लूप में फिर से ये देखिए डबल क्रोशे कंप्लीट नहीं करना है, हाफ में ही निकाल देना है। फिर से 2 लिया, फिर 3, 4 और ये 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने 6 ले लिया है, 6 नहीं हमको 4 लूप्स ही लेना है तो एक लूप में कम कर देती हूँ। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, सब में से एक साथ निकाल के फिर सिंगल क्रोशे। एक बार फिर से चेक कीजिए, ये देखिए 1, 2, 2 स्किप कर दिया, थर्ड लूप में फिर से डाला हमने इस तरीके से। ये देखिए 1, 2, 3 है, 1, 2, 3, 3 की जगह हमको 2 में से पुल करना है। अभी हमारे पास 2 हो गए,
एक बार फिर डाला, फिर ये आया, फिर नेक्स्ट टू में से पुल कर लेना है, फिर डालते हैं, फिर फर्स्ट टू में से पुल कर लेना है। हर बार हमें शुरू के दो से पुल करना है। ये देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए हैं। अब इन्हें डाल के एक साथ पूरा पुल कर लेंगे और ये सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आएगा। बस हमें इसी तरीके से बनाते जाना है, 1 2 स्किप करके। ये देखिए वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे, फिर दो स्किप करना है थर्ड में, फिर 1 2 3 4। आप चार बार बनाएंगे तब आपके पांच लूप आएंगे ऊपर। ये देखिए एक और बाकी है, टू स्किप किया, 1 2 3 4। ये देखिए ये हो गया। और लास्ट जो हमारे पास लूप है इस रो का, उसमें हमें एक फुल डबल क्रोशे बना लेना है। ये देखिए ये देखिए, तो इस तरीके से ये कुछ कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये देखिए डिजाइन कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ अब बस यहां से कट कर दीजिए यार्न। ये देखिए हमारा स्कार्फ पूरा बन गया, चेक कीजिए। ये देखिए डिजाइन कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो ये डिजाइन न बनाकर आप इसमें कुछ फ्रिंजेस या पॉम पॉम या कुछ और अपना डिजाइन चाहे तो उससे बॉर्डर बना सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो इसे सिंगल क्रोशिया करके क्लोज भी कर सकते हैं। देखिए कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल तरीका है एक मफलर या स्कार्फ बनाने का, आप भी ट्राई करके देखिए। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है कि हमें सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे या डबल क्रोशे कैसे बनाना है या स्लिप नॉट कैसे डालना है, तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया या ये डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगले ऐसे क्रिएटिव वीडियोज़ देखने के लिए नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। थैंक यू।